अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजफ्फर जान, HOD पीडियाट्रिक्स, जीबी पंत हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर। आज हम आपको जो ये कोविड की वेव, जो सेकेंड वेव आई है, बच्चों के हवाले से क्या क्या ज़रूरियात हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली बात यह कि जब पहली वेव, फर्स्ट वेव आई थी लास्ट ईयर, तो उसमें जो देखा गया बच्चों में बहुत कम इन्फेक्शन हुआ था और बच्चे सिम्टोमेटिक बहुत कम हुए थे, वो माइल्डली, जनरली ज़्यादा मैक्सिमम माइल्ड डिजीज थी। इस बार में एक फ़र्क है कि जो ये सेकेंड वेव है इसमें ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और चूँकि ज़्यादा तादाद में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो चांसेस ऑफ सीवियर डिजीज थोड़ी बढ़ रही है। इसकी जो सिम्टम्स अलामत हैं इस बीमारी की, आप सबको पहले आम लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार दोहराता हूँ, जैसे खांसी, ज़ुकाम या सर दर्द या बॉडी में एक सेम पेन, आजकल डायरिया और वॉमिटिंग भी कोविड में हो रहा है। तो अब इसके अलामत में आपको ख्याल रखना है कि ये सब तो माइल्ड डिजीज के अलामत है, लेकिन अगर ब्रीदिंग रेट यानी कि फास्ट ब्रीदिंग होगी बच्चे में तो ये सीवियरिटी बढ़ जाती है। ख़ासतौर से आजकल हम बोलते हैं कि घर में आप सैचुरेशन चेक करो, सैचुरेशन 94 के ऊपर होनी चाहिए। अगर 90 और 94 के बीच में आ गई तो ये मॉडरेट डिजीज की अलामत है, और अगर 90 के नीचे चले गए तो सीवियर डिजीज की अलामत है। तो इन अलामत से अब अपने आप को खबरदार रखें, और कुछ वार्निंग साइन बता दूँ, अगर हल्का सा जुकाम, खांसी, बुखार है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में भी आप बच्चे को आइसोलेट कर सकते हैं, और बुखार हो तो पैरास्टामॉल दे सकते हैं। आजकल हम लोग इम्यून जो बूस्टर्स हैं, जैसे जिंक है, विटामिन सी है, वो दे सकते हैं बच्चों को, उनकी आप घर में मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं। आपको खाली देखना है बच्चे को फास्ट ब्रीदिंग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, बच्चा फीट ठीक ले रहा है, लेथार्जिक तो नहीं है, ड्रॉजी तो नहीं है, इन चीज़ों का ख्याल रखना, और सैचुरेशन मॉनिटर करना, और अगर लेस देन 94 हो गया तो हॉस्पिटल लेके आना। कई बार माँ ये क्वेश्चन होते हैं कि अगर माँ पॉजिटिव है तो वो क्या बच्चे को अपना दूध दे सकती है, तो जो रिकमेंडेशन प्रेजेंटली है कि माँ अगर पॉजिटिव हो तो भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन वो मास्क लगाएं और हैंड वॉशिंग करें उस टाइम में, और बाकी टाइम में बच्चे को दूर रखें अपने से। अगर घर में जगह है तो दूसरे कमरे में कोई दूसरा बंदा उसका केयर करेगा, अगर नई जगह तो एक ही कमरे में कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस रखें, दूर बच्चे को रखें।